विवान, तुम सानवी को थोड़ी देर के लिए संभाल लोगे? वो सूरज सानवी के साथ खेलते खेलते ही सो गया, और सानवी के बहुत कपड़े वो धोने सब जगह बिखरे पड़े हैं, तो हमें काफी काम है। तुम उसे थोड़ी देर के लिए संभालो, हम जल्दी से काम निपटा के आ जाएंगे। हाँ, जरूर। सानवी, आजकल चाचू को ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ सानवी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा खेल पसंद है आपको? चाचू, सानवी को घोड़ा घोड़ा खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो घुड़सवारी करनी है? अरे, हमसे अच्छा घोड़ा तो आपको मिलेगा ही नहीं। विवान, ध्यान रखना, हम आते हैं। और वो हमने वहां एक रॉड रखा है, अगर कुछ चकोर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर इमली आ भी गई तो उसके लिए हमारे हमारे दोनों हाथ काफी। हाँ, हम जानते हैं, पर हमें सानवी की बहुत चिंता है, उसकी सुरक्षा के लिए रख लो, अगर कुछ हो तो। हम आते हैं, मम्मा भी आ जाएगी। सानवी, चकोर, चकोर। सूरज, तुम उठ गए? हाँ, सानवी का है? सानवी अपने चाचू के साथ खेल रही। क्या सानवी विवान के पास है? इसमें बुराई क्या है? सूरज रुको, हमारी बात तो सुनो। सूरज देखो, सानवी कैसे खेल रही विवान के साथ। सानवी चाचू के साथ खेलेगी। विवान, छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या कर रहे थे तुम? क्या बात है सूरज, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई गलती हो गई? बच्चों के साथ ऐसे खेलते? जब तुम्हें बच्चों के साथ खेलने का कोई तजुर्बा नहीं है तो क्यों हमेशा सानवी के साथ खेलते रहते हो तुम? तुम्हें पता है, जब हम सानवी के साथ खेल रहे होते तो उसके आसपास गद्दे बिछा कर रखते हैं कि अगर वो गिर भी जाए तो उसे चोट ना लगे। तुमने कोई गद्दे बिछाए? सूरज, इसी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे? सूरज बिल्कुल ठीक बोल, गलती हमारी है, क्षमा कर दो। और सानवी के साथ खेलते वक्त हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, विश्वास करो हमारा। किस बात का विश्वास करें? अभी दो दिन पहले तो सानवी के माँ बाप को ही मारने चले थे तुम। सूरज, ये कहाँ की बात कहाँ लेकर आ रहे हो? तुम दोनों ना, परेशान हो गए हम तुम दोनों से। भ्रम, इसे भी होता है भ्रम, तुम्हें भी होता है भ्रम। तुम्हें इमली दिखाई देती है, इमली इस पर हमला करती है, तो कभी उठ के ये हम पर हमला कर देता है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। ये रॉड क्या कर रही है यहाँ पर? ये भी इमली के लिए ना? जवाब दो। हाँ, इमली के लिए रखी। सूरज, तुम तो हमारा साथ दे नहीं रहे, तो किसी चीज का तो सहारा लेना पड़ेगा ना, हमारी सुरक्षा के लिए। सूरज, अब भी कह रहे वक्त, हमारी बात मानो, इमली जिंदा है तो हमारी कल्पना नहीं है, लेकिन तुम हो कि हमारी बात समझ ही नहीं रहे हो। नहीं समझ रहे हम, क्योंकि हम तो तुम्हें समझते ही नहीं है, तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों बचपन के दोस्त साथ में बैठो और अपने शक संदेह को दूर करो। सानवी को लेकर जाते, हम तो तुम्हें समझते ही नहीं है, तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों बचपन के दोस्त साथ में बैठो और अपने शक संदेह को दूर करो। बिल्कुल ऐसी थी हमारी चकोर, हंसती थी,
मस्ती करती थी, साबुन के झाग उड़ाती थी। पता नहीं कहां चली। हाँ विवान, पता नहीं कहां चली गई वो जगह। काश कि हम फिर से अपने बचपन में लौट सकते, फिर दौड़ते भागते। शरारते करते। हम चुराते, साबुन के झाग उड़ाते, कागज की नाव बनाते। पता नहीं हमारा बचपन कौन चुरा के लेंगे। विवान, ये समय इतना जालिम क्यों होता है? विवान, हर किसी से उसका बचपन छीन लेता है। विवान, समय के साथ कितने बदलाव आ जाते हैं। बचपन में कैसे थे ना, कभी किसी से नहीं डरते थे, किसी बात का डर नहीं था। और आज छोटी छोटी बातों पे डरने लग गए। शुकुर, हम जानते हैं तुम्हें सानवी की चिंता हो रही है, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, हम हैं तुम्हारे साथ। और हमारे होते हुए वो इमली सानवी को छू भी नहीं पाएगी। विवान, हम सानवी के लिए चिंतित नहीं है, सूरज की बात कर रहे। हमारा सूरज ऐसा नहीं था, पता नहीं वो कहां चला गया। पहले सूरज हमारी हर एक बात पर आंख बंद करके भरोसा करता था, और आज हम चीख चीख कर उससे कह रहे कि इमली जिंदा है, कि खून पर विश्वास ही नहीं कर। हमारा सूरज तो ऐसा नहीं था ना विवान, पता नहीं क्या हो गया उसे। तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं दिख सकता, तुम सूरज को थोड़ा समय दो, वो जरूर तुम पे विश्वास करेगा, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। और आज नहीं तो कल उसे तुम पे विश्वास हो ही जाएगा। चकोर, बेटा सूरज बाहर बुला रहा है हवेली के। बाहर क्यों? ये तो उसने बताया नहीं, चलो। पर सूरज सबको बाहर क्यों बुला रहा है? बेटा सवाल जवाब का वक्त नहीं है, तुम उससे बाहर ही पूछ लेना। अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। कुछ पता है ये सब क्या हो रहा है? सारे खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर दिए ना? जी मालिक। सूरज, घर के खिड़की दरवाजे क्यों बंद करवा रहे हो? क्या बात है? पिछले कई दिनों से तुम चीख चीख कर कह रही थी कि इमली जिंदा है इसी घर में, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन अब हमें लगता है कि शायद तुम सही कह रही थी, हो सकता है कि इमली जिंदा है और वो यही है। सूरज, इसका मतलब तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो गया?
आखिरकार तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो ही गया कि इमली है? ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सबको हवेली से बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी? मतलब ये तो तुम अंदर भी बता सकते थे ना? अभी पता चल जाएगा। विवान, हमने इन्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया क्योंकि इनके पास सबसे जहरीली कीटनाशक दवाई है। हमने इन्हें स्पेशली कृषि मंत्रालय से बुलाया ताकि उस दवाई का छिड़काव ये लोग यहाँ पर करें। इस दवाई के छिड़काव से तो छुपा हुआ चूहा भी बाहर आ जाता है अपने बिल से। सूरज, ये तो इंसानों के लिए भी बहुत हानिकारक होगा, इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया इन्हें। ये कीटनाशक दवाई जो हवा में घुल जाएगी वो किसी इंसान से सहन नहीं की जाएगी। अगर इमली यहाँ पर है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। चलिए आप लोग जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। निकालने के लिए ही दुआ फैला रहे, हमका कछु करे का पड़ी है। सूरज, ये तरकीब सचमुच बहुत ही कारगर है। ये धुआं इमली को मजबूर कर देगा, वो बाहर आ जाए, ज्यादा देर तक अंदर रह ही नहीं पाएगी वो। सूरज, हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि तुम हमारा साथ दो, लेकिन तुमने हम पर विश्वास। और अगर इमली बाहर नहीं आई चकोर, तो तुम्हें भी इस बात पर विश्वास करना होगा कि इमली मर चुकी है। जवाब दो। अब जवाब इमली खुद देगी। सूरज, इमली बाहर आ। जाएंगी
जानते हैं तू यही है, सामने आ जाए इमली। तेरी दीदी का दिल बहुत बड़ा है, हम तुझे क्षमा कर देंगे, बस सामने आ जा। नहीं इमली, नहीं, साहस रख, अगर तू कमजोर पड़ गई तो ये लोग तेरा विनाश कर देंगे। ये लोग पहले ही तेरे सपने तोड़ चुके हैं, अब ऐसा मत होने देना। तू का हिम्मत बनाएंगे, रखेगा पड़ी हिम्मत इमली, हिम्मत। हमें लगता है सर आपके घर में कुछ भी नहीं है, अगर कोई होता तो इस कीटनाशक दवा से मारा जाता। अरे अभी तो तड़प तड़प के बाहर निकल के आ गया होता। चकोर सुना तुमने, इमली ना तो अब हमारे घर में है और ना ही हमारे जीवन में। हाँ सूरज। और विमान तुमने भी सुना ना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गलती जरूर, कोई खिड़की या दरवाजा खुला रह गया हो। अरे इमली वहां से। विवान रहने दे। देखो सूरज ने साबित कर दिया है कि इमली इस हवेली में नहीं है।